एक क्रीम से इतने सारे फायदे आपको मिलने वाले हैं और ये आपके आंखों के चारों ओर आई हुई झुर्रियों को, डार्क सर्कल को भी रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करेगी। तो जब से मैंने अपने चैनल पर पोटैटो क्रीम शेयर करी है, तब से मेरी पूरी फैमिली की इतनी सारी रिक्वेस्ट आई कि निगार हमारे साथ कोई होम मेड एंटी एजिंग क्रीम भी शेयर करो। तो आप अगर बोले और मैं ना करूँ ये तो हो ही नहीं सकता है गाइस। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ पोटैटो से ही बनी हुई एक बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही वंडरिंग एंटी एजिंग क्रीम। जी हाँ, जिसकी एप्लीकेशन ना सिर्फ मैंने करी है बल्कि हमारे पड़ोस में रहने वाली एक भाभी है, वो आजकल अपने मायके गई हुई हैं, जिनका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। उनको मैंने इसको लगाने के लिए दिया और यकीन मानिए गाइस, एक हफ्ते में उनको वंडरिंग रिजल्ट इस एंटी एजिंग क्रीम से मिले हैं और इसके रिजल्ट बहुत जल्द उनके साथ मैं शेयर करूंगी, ठीक है। तो ये वीडियो आज का बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपके चेहरे पे फाइन लाइन, झुर्रियाँ, रिंकल्स, एज स्पॉट या किसी भी तरह के डार्क सर्कल हैं, पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है या रंग दबा हुआ है, डल हो गया है, ठीक है, तो उसको फेयर करने के लिए भी और इन सारी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए ये एंटी एजिंग क्रीम जो है बहुत वंडरिंग काम करने वाली है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो का टॉपिक अच्छा लग रहा है या फिर इस वीडियो से आपको हेल्प मिल जाए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मैं हूँ निगार और अपने चैनल पर इसी तरह के वीडियोस आप सभी के लिए लेकर आती हूँ। तो अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें विद बेल आइकन, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो लेकर आऊँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। तो चलिए जल्दी से फटाफट से बनाते हैं हम अपनी एंटी एजिंग पोटैटो क्रीम। सबसे पहले गाइस, हमें जिस इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है, जैसा कि ये पोटैटो क्रीम है तो आलू की ज़रूरत तो हमें पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। तो एक मीडियम साइज़ का आपको पोटैटो ले लेना है। अच्छा, इस क्रीम को बनाने के लिए कुछ बातों का आपको ज़रूर ध्यान रखा होगा, वरना आपकी ये क्रीम ब्लैक पड़ जाएगी, फिर आप बोलोगे निगार हमारी क्रीम तो ब्लैक हो गई, ठीक है। तो मीडियम साइज़ का पोटैटो आप ले लेंगी, इसको आपको पील ऑफ कर लेना है, अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। याद रखिएगा कि आपका आलू जो है वो हरा या बैंगनी कलर का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको ऑलरेडी पहले से ही पील ऑफ करके रखा हुआ था गाइस, और यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से इसको धो लिया है। अब कद्दूकश की हेल्प से हम इसको ग्रेट कर लेंगे। पोटैटो के अंदर यू नो कि स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज पाए जाने के साथ साथ स्किन से डार्क स्पॉट, ब्लैक स्पॉट, हाइपर पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन, मिलाजमा, झुर्रियाँ, यहाँ तक कि अगर आपकी स्किन के ऊपर पोर्स ओपन हो गए हैं तो उनको भी ख़त्म करने की तासीर पाई जाती है और इससे हमें मिलती है तरोताज़ा स्किन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस पोटैटो को पील ऑफ कर लिया है और इसमें आपको अपना हाथ नहीं लगाना है, बात ध्यान रखिएगा, नहीं आपकी क्रीम ख़राब हो सकती है। तो इसके लिए आप लेंगी स्ट्रेनर यानी छलनी लेंगी और छलनी की मदद से आपको ये पूरा पोटैटो जूस जो है एक बाउल में कलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैंने ग्लास का बाउल लिया है, ग्लास के बाउल में क्रीम बनाओगे तो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूरा एक आलू का रस स्क्विश कर लिया है। अब तुरंत ही आपको इसमें काट कर मिक्स करना है फ्यू ड्रॉप्स लेमन जूस, जो कि इस आलू की प्रॉपर्टी को सेव कर देगा, उसको प्रोटेक्ट कर देगा, ठीक है। और ये आलू, अब आपका जो आलू का रस है ये ब्लैक नहीं पड़ने वाला है, ये बिल्कुल भी काला नहीं होगा गाइस, और ये बिल्कुल इसी तरह का वाइट एज इट इज़ बना रहेगा, ठीक है। तो तुरंत ही आपको क्या करना है, फ्यू ड्रॉप्स लेमन जूस की आपको ऐड करनी है। आपकी स्किन को कोई हार्म नहीं होने वाला है लेमन जूस से, ठीक है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप इस बात का ख्याल रखें कि लेमन जूस ना आप ना यूज़ कीजिए, ठीक है, बट आपको इसमें लेमन जूस की ऐड ज़रूर करनी होगी, नहीं तो ये आपकी क्रीम ब्लैक पड़ जाएगी। अब यहाँ पे थर्ड इंग्रेडिएंट जो इस क्रीम का बेस हम बनाएंगे वो है एलोवेरा जेल। आप या फिर कुकुम्बर जेल भी ले सकती हैं, इसकी जगह आप पपाया जेल भी ले सकती हैं, अगर आपको एलोवेरा जेल सूट नहीं करता है, किसी भी ब्रांड का चलेगा, बट याद रखिएगा कि ये प्योर होना चाहिए और ऑर्गेनिक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक चम्मच भर कर आपको इसमें एलोवेरा जेल की ऐड कर देनी है। अब यहाँ पे इसके बाद जो हम ऐड करने वाले हैं गाइस, वो है विटामिन ई के कैप्सूल। ये इवियॉन 400 कैप्सूल है जो कि आपको बहुत ही ईजिली किसी भी मेडिकल शॉप पे मिल जाएगा। ये क्या करता है कि ये हमारे चेहरे से फाइन लाइंस और झुर्रियों को ख़त्म करता है और बेस्ट एंटी एजिंग का भी काम करता है इवियॉन 400 ये ग्रीन कलर के कैप्सूल, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कैप्सूल का ऑयल आपको इसके अंदर मिक्स कर देना है।
तो हमारी ये क्रीम ना बहुत अच्छी बनने वाली है गाइस, क्योंकि ये सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत कमाल के हैं। ठीक है, अभी ना विंटर आने वाली है, तो ये क्रीम अगर आप बना के रख रही हो और चेहरा अगर सुबह आप धोती हो और उसके बाद आपके चेहरे पे खिंचाव महसूस होता है, ब्रेकआउट्स नजर आते हैं स्किन के ऊपर, ठीक है, या फिर आपकी स्किन खिंची खिंची सी और ड्राई रहती है, तो उसके लिए आधा चम्मच आपको ग्लिसरीन की इसमें ऐड करनी होगी, ताकि ये आपकी स्किन के ऊपर प्रॉपर हाइड्रेशन को मेंटेन करके रखे और आपकी स्किन इससे ड्राई ना हो। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे इस क्रीम को बनाने के लिए मैं इसमें यूज करने वाली हूँ गुड वाइब्स का रोज हिप सिरम गाइस, जिसको मैंने मंगवाया था। इसके गुणों को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए रोज हिप सिरम बहुत ही मैजिकल काम करने वाला है। यहाँ पे ये रोज हिप सिरम मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल नॉन ग्रीसी होता है, बिल्कुल चिपचिपा नहीं होता है। काम क्या होता है इसका कि ये आपके फेस के ग्लो को बढ़ाता है। ठीक है, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत ज़्यादा पैची है, तो ये उसकी ड्राइनेस को भी ख़त्म करता है। साथ ही साथ इसका इस्तेमाल आप मेकअप करने से भी पहले कर सकती हो गाइस, बहुत ही कमाल का होता है रोज हिप सिरम। इसको मैंने यूज़ किया है, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट इसके आते हैं। ठीक है, तो इस एंटी एजिंग क्रीम में मैं ये रोज हिप सिरम ऐड करने वाली हूँ। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, बट गुड वाइब्स का ज़्यादा अच्छा होता है अगर आप बोलोगी, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, तो ये रोज हिप सिरम आपको कितना ऐड करना है इसमें, कम से कम 10 ड्रॉप यानी 10 ड्रॉप्स हम इसमें रोज हिप सिरम की ऐड करेंगे, जो कि हमारी ये एंटी एजिंग क्रीम के गुणों को और भी ज्यादा इंप्रूव कर देने वाली है। साथ ही साथ इतने कमाल के रिजल्ट हमको मिलने वाले हैं गाइस, कि जब आप इसको यूज करोगे ना, तो आपको खुद लगेगा कि वाओ। अब आपको इन सारी चीजों को स्पून की हेल्प से अच्छे से मिक्स करना है। मिक्सिंग आपकी बहुत गजब की होनी चाहिए, 2 मिनट 3 मिनट जितना भी वक्त लगे इन सारी चीजों को मिक्स होने में, एक सार होने में, ब्लेंड होने में, उतना वक्त आपको इसको देना होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छे से मिक्स करने के बाद ये एक क्रीमी फॉर्म में आ गई है हमारी क्रीम, जो कि मार्केट लाइक बिल्कुल लग रही है ना। बहुत खूबसूरत ये क्रीम आपको जैसे नजर आ रही है ना, उससे कहीं अच्छे रिजल्ट आपको ये देगी। बेस्ट एंटी एजिंग क्रीम हमारी बनकर तैयार है, जो कि हमारे चेहरे से एज स्पॉट, झुर्रियां, रिंकल्स, फाइन लाइंस, किसी भी तरह की ड्राइनेस है, ब्रेकआउट्स आते हैं, डार्क सर्कल है, उन सब पे बहुत मैजिकल काम करने वाली है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मैं अप्लाई करके आपको दिखा रही हूँ गाइस। ये बिल्कुल नॉन ग्रीसी है, बिल्कुल चिपचिपी नहीं है, तुरंत आपकी स्किन के अंदर अब्सॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी आपके पास इस तरह का कंटेनर है, ग्लास कंटेनर है, छोटी सी डिबिया है, किसी में भी आप इसको स्टोर करके रख लीजिए। और अब देख लेते हैं कि हमें इसको अप्लाई किस तरह से करना है। अभी मेरा चेहरा धुला हुआ है, तो ये क्रीम आपको लेनी है और डॉट डॉट करते हुए इस तरह से अपने पूरे फेस के ऊपर लगानी है। आप चाहें तो इसको अपने नेक के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग आपकी स्किन इससे हो जाएगी, और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है ना, तो ये क्रीम बहुत मैजिकल काम करेगी ड्राई स्किन के ऊपर। ऑल स्किन टाइप के लिए सुटेबल है, और ये आपके चेहरे के रंग को भी निखारेगी। ठीक है, तो एक क्रीम से इतने सारे फायदे आपको मिलने वाले हैं, और ये आपके आंखों के चारों ओर आई हुई झुर्रियों को, डार्क सर्किल को भी रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, तो इस क्रीम को आपको इस तरह से लगाना है, और ये देखिए इंस्टेंट आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी गाइस। बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर का भी ये काम करने वाली है, और शाइन बहुत अच्छी आने वाली है। देखिए चेहरे के ऊपर कोई मेकअप नहीं है, और इस क्रीम को लगाने से ही स्किन कितनी अच्छी से क्लीन लग रही है ना। तो ये क्रीम आप लगाकर इस तरह से छोड़ देंगी। कोशिश कीजिएगा कि इस क्रीम को लगाने के बाद कोई मेकअप आप यूज़ ना करें, अगर आपको करना ही है तो इस क्रीम को लगाकर 1 घंटे पहले छोड़ दीजिए, उसके बाद आप अपना मेकअप कर सकती हैं। तो ये है हमारी वो कमाल की एंटी एजिंग पोचेटो क्रीम, जिससे आपको मिलने वाली है फ्लॉलेस स्किन, एक यंग स्किन, एक टाइट स्किन, एक रिंकल्स फ्री स्किन, और एक ऐसी स्किन जिसके ऊपर ग्लो भर भर कर आने वाला है। ठीक है, तो इसको आपको ज़रूर बनाना है, ज़रूर अप्लाई करना है, इसके रिजल्ट भी मेरे साथ शेयर करने हैं। ठीक है, ये क्रीम आपकी 10 दिनों तक बिल्कुल ना ब्लैक पड़ेगी, ना इसमें कोई स्मेल आएगी, ना महक आएगी, बशर्ते ये कि आप इसको फ्रिज में स्टोर करके रखोगी। विदाउट फ्रिज आप इसको नहीं रख सकती हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें बिल्कुल नेचुरल है और ये ख़राब हो जाएंगी। ठीक है, तो ये क्रीम आप फ्रिज में स्टोर करके रखो। अगर आपकी एज 18 प्लस हो गई है, आप 18 प्लस हो, तो आप इसको अप्लाई कर सकती हो।
बॉयज गर्ल्स सभी यूज कर सकते हैं, मेल फीमेल जितने भी हैं सब ट्राई करें। मैं तो कहती हूँ कि आज ही बनाओ इस क्रीम को, आज ही ट्राई करो गाइज, रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं। जो महंगी महंगी क्रीम आप यूज कर चुकी हो ना, उससे बेस्ट रिजल्ट आपको इस क्रीम से मिलने वाला है, ठीक है। तो आप इस क्रीम को बना के रखिए, इसको यूज कीजिए। यूज करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, इसको मॉर्निंग में आप यूज कर सकती हैं और आप इसको दोपहर में यूज कर सकती हैं, बट एक बार आपको इसमें नाइट में जरूर लगाना है, और नाइट में इसको लगाने के बाद ओवरनाइट इसको आप यूं ही लगाकर छोड़ देंगी, ठीक है, क्योंकि ओवरनाइट ये क्रीम और भी अच्छा वर्क करेगी। आई होप कि मेरी फैमिली को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। क्रीम को लेकर अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बेझिझक क्वेश्चन कर सकती हैं, मैं जैसे ही वक्त मिलेगा उसका रिप्लाई करूंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ढेर सारा अच्छे से ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।